तो स्वागत है गाइस फिर से आप लोगों को मेरे और एक नया वीडियो में। तो गाइस हमारा आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 हेडशॉट मिस्टेक्स, मतलब ऐसा 5 गलती जिस वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो पहला गलती है वो है कस्टम एचडी को बार बार चेंज करना। मतलब आप लोगों में से कुछ लोग क्या करते हो, आप लोग अपना कस्टम एचडी को बार बार चेंज करते हो। समझ लो आप लोग किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के उसके जैसा कस्टम एचडी बना लिया एंड उसी कस्टम एचडी में 2-3 दिन खेलने के बाद आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों का अच्छा खासा वन टैप या हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया, फिर से और एक वीडियो देख के उस यूट्यूबर के जैसा कस्टम एचडी बना लिया। मतलब आप अपना कस्टम एचडी को बार बार चेंज कर रहे हो। तो गाइस अगर आप लोग अपना कस्टम एचडी को ऐसे बार बार चेंज करोगे तो आप लोग एक परफेक्ट वन टैप या अच्छा खासा हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो आप लोगों को ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है, आप लोग को बस एक ही कस्टम एचडी में ज्यादा देर तक खेल के उसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है नेवर कॉपी एनीवन। मतलब आपको किसी को भी कॉपी नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हो, समझ लो आपने राइस्टार का एक वीडियो देखा एंड वहां पे राइस्टार ने जैसा कस्टम एचडी रखा आपने भी सेम बिल्कुल राइस्टार की तरह अपना कस्टम एचडी को कर लिया। इससे क्या होगा, आप लोग आगे जाके एकदम भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो आपको कभी भी किसी प्रो प्लेयर या यूट्यूबर को देख के उसका कस्टम एचडी आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपना खुद का कस्टम एचडी बनाना होगा। मतलब समझ लो किसी ने उसका बैठने वाला बटन को लेफ्ट साइड में रखा है तो आपने भी बिल्कुल उसका तरह कॉपी कर लिया, आपने भी अपना बैठने वाला बटन को लेफ्ट साइड में रख दिया। इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं खेल पाओगे। तो आपको कभी भी ऐसे किसी को भी देख के कॉपी नहीं करना है, आपको अपना खुद का कस्टम एचडी बनाना होगा। मतलब जहां पे आपको कंफर्टेबल होता है आपको वहां पे रखना पड़ेगा। पर हाँ, आप किसी से भी सजेशन ले सकते हो। मतलब समझ लो किसी ने आपको बताया कि आपको अपना ग्लू वाला बटन को लेफ्ट में रखना चाहिए, तो आप लोग उसका हिसाब से अपना ग्लू वाला बटन को लेफ्ट में रख के देख सकते हो। अगर आपको वहां पे कंफर्टेबल फील होता है तो आप उसको लेफ्ट में ही रख देना, वरना अपना पहले जैसे कर लेना। एंड मैं भी अपना कस्टम एचडी को ऐसे ही रखा हूं, मुझे जिस बटन जहां पे रखने से कंफर्टेबल फील होता है मैं उसी बटन का वहां पे रख के मेरा खुद की जैसा कस्टम एचडी बनाया एंड मैं उसी में ही खेलता हूं। एंड मेरा कस्टम एचडी में मेरा पूरा कंट्रोल है। तो अगर किसी ने आके मुझे बोला कि भाई तू मेरा तरह कस्टम एचडी कर ले तेरा पूरा खतरनाक लेवल का हेडशॉट लगेगा, तो गाइस मैं थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरा खुद का कस्टम एचडी में खेलने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो आप लोग भी ऐसे दूसरे का सुन के या देख के अपना कस्टम एचडी को उसका कॉपी मत करना। आप लोग अपना खुद का हिसाब से जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है आप लोग उस जैसा कस्टम एचडी रखना, इससे आप लोग खतरनाक तरीके का हेडशॉट मार पाओगे। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है राइट पिक पोजीशन। मतलब जब आप लोग पिक लेके वन टाइम या हेडशॉट मारते हो तब आप लोगों को सही तरीके से पीक लेना पड़ेगा। मतलब आपको हमेशा अपना कवर से राइट साइड में जाके पीक लेके हेडशॉट मारना पड़ेगा। तो यहां पे देख सकते हो मेरा एनिमी का राइट साइड में मैं पीक लेके उसको हेडशॉट मार रहा हूं। तो इससे क्या होगा, आप लोग एकदम रेड नंबर हेडशॉट मार पाओगे एंड आपका जो ओपोनेंट है वो भी आपको इजीली हेडशॉट नहीं मार पाएगा। इसके बाद में अगर आप लोग लेफ्ट से पीक लेके हेडशॉट मारने का ट्राई करोगे तो यहां पे देख सकते हो आपका हेडशॉट भी ज्यादातर नहीं लगेगा, बॉडी लगेगा एंड आपका एनिमी भी आपको इजीली मार सकता है क्योंकि आपका बॉडी पूरा कवर से बाहर हो गया है। तो आप लोग भी ऐसा हमेशा राइट साइड से पिक लेके वन टाइम मारना एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं हर एक क्लिप में मेरा राइट साइड से पिक लेके हेडशॉट मार रहा हूँ एंड ज्यादातर प्रो प्लेयर भी राइट साइड से पिक लेके हेडशॉट मारता है। तो लेफ्ट से आप लोग कभी मत करना क्योंकि अगर आप लोग लेफ्ट से पिक लेके हेडशॉट मारने का ट्राई करोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो कवर से थोड़ा ज्यादा बाहर हो जाएगा एंड आपका एनिमी आपको इजीली हेडशॉट मार देगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रख के राइट साइड से पिक लेके वन टैप या हेडशॉट मारना। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है गलत मूवमेंट। मतलब आप लोग गलत तरीके से मूवमेंट करते हो। मतलब समझ लो आप लोग यूट्यूब में रोकवेब का वीडियो देखा एंड उसका जैसे आप लोग मूवमेंट करने का ट्राई करोगे तो आप लोग ऐसे ओवर मूवमेंट करोगे एंड ओवर मूवमेंट की वजह से आप लोग इजीली वन टैप नहीं मार पाओगे। इससे क्या होगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगा एंड आप लोग अपना एनिमी को नहीं मार पाओगे एंड आपका एनिमी आपको मार के चला जाएगा। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा किसी को भी देख के इधर उधर गलत तरीके से मूवमेंट नहीं करना है, आप लोगों को अपना खुद का स्टाइल से खुद का मूवमेंट से खेलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ऑलरेडी इस ओवर मूवमेंट का गलती को करते हो तो आप लोग सुधार लो क्योंकि इस वजह से भी आपका हेडशॉट नहीं लग सकता है। तो इसके बाद हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है लेस प्रैक्टिस। मतलब आप लोग बहुत ही कम प्रैक्टिस करते हो। तो आप लोगों का भी ऐसा नहीं करना है गाइस, आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग एक वीडियो देखोगे एंड उसके जैसा हेडशॉट मार पाओगे तो ऐसा कभी भी नहीं है। जो भी लेजेंड प्लेयर है लाइक राइस्टार, जेरॉक्स वेब, सब लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके उधर गया है। तो अगर आप लोग उनके जैसा वन टैप या हेडशॉट मारना चाहते हो तो आप लोगों को भी जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी आसान नहीं होता है। हर एक फील्ड में आपको कुछ भी अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप लोगों को अच्छा खेलने के लिए भी जरूर प्रैक्टिस करना
पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, एंड आप लोग जब ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग धीरे धीरे एक बेटर प्लेयर बनते जाओगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलने के लिए। एंड वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी नया वीडियो में।